हेलो एवरीवन वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट सो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जैसा कि आप सबको पता है कि जेकेएस जेकेएस 2023 की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट और सो चुकी हैं जो कि हमारी फिफ्टीन ऑफ अक्टूबर है ठीक है ना सो so, जितने भी एस्पायरेंट हैं वो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें इसमें हम जितने भी बेसिक क्वेश्चन जो कि इंडियन पॉलिटिक्स पे आते हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और ये सारे जो एम सी क्यूज है वो एमसी क्यू फॉर्म में रहेंगे सो so, मेरा नाम आमिर फिरोजाल है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज विच बॉडी फ्रेम द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन सी ऐसी बॉडी थी जिन्होंने कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया को फ्रेम किया था सो so आपके पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग कमेटी ऑप्शन बी कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑप्शन सी यूनियन कंस्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड ऑप्शन डी अ वर्किंग कमेटी So, आप जितने भी एस्पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथ साथ इसको ए, ए, इसको अटेम्प्ट करने के वो देखें वो कितने नंबर ला सकते हैं सो so, जिस बॉडी ने कंस्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया को फ्रेम किया था उस बॉडी का नाम है ऑप्शन बी दैट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रेम किया था ये क्वेश्चन है अब याद रखेंगे उसके बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि विच हु द आइडिया ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सो आपको ये भी याद रखना कि हमारे एम एन रॉय हैं जो एम एन रॉय उन्होंने ये आ, आ, दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है ना ये भी याद रखें और साथ में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं जी कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है ना कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान जो था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये कब आया था ठीक है ना सो so ये कब प्रपोज हुआ था सिक्सटीन ऑफ मे सिक्सटीन ऑफ मे नाइनटीन फोर्टी को ये आइडिया दिया था टू प्रपोज दूंट असेंबली टू फ्रेम जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फ्रेम करने के लिए ये प्रपोजल इन्होंने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और अगर आपको पूछा जाए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सो so, कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए ये हमारा क्या होता है एक सेट ऑफ फंडामेंटल्स होता है सेट ऑफ क्या होता है हमारा सेट ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसे कोई भी स्टेट हो कोई भी स्टेट हो या कोई भी अदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको गवर्न करती है सो so, अगर पूछेंगे कि विच बॉडी फ्रेम द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो आपने वहां पे मार्क करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा द कंस्टिट्यूंट असेंबली वॉज इन मतलब कंस्टिट्यूंट असेंबली जो है वो किस साल में बनी थी ठीक है ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है ठीक है ना सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे नाइनटीन ऑप्शन बी 1946

आती हैं। अगर पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम जो थी हमारी जो फर्स्ट टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कब मीट की थी वो दिसंबर 1946 को की थी, फिर उसको रीअसेंबल किया गया था याद आप, रीअसेंबल किया गया था फोर्टीन ऑफ ऑगस्ट फोर्टीन ऑफ अगस्त 1947 को इसको रीअसेंबल किया गया था ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है कैसे बनी है क्यों हुआ ये सारी सारी चीज़ें वो एग्जामिनर पूछता रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ना इस चीज को आप याद रखेंगे ठीक है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ठीक है ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन थ्री हमारे पास रहेगा हु हु अमंग अमंग द द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे ठीक है ना ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है सबको आता ही है ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है सो so ऑप्शन आपके पास रहेंगे ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी सचिदानंद सिन्हा ऑप्शन बी ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है कि इनके चेयरपर्सन कौन से सो so, हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, है इस क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकते हैं अगर पूछेंगे कि जो कंस्टिट्यूशन uh, था वो ड्राफ्ट करके फाइनलाइज कितने uh, अरसे में होता तो इट टू टू ईयर अलेवन मंथ ठीक है जी अलेवन मंथ एंड एटीन डेज ठीक है कंस्टीट्यूशन को ड्राफ्ट कंप्लीट होने में uh, दो साल ग्यारह महीने और अट्ठारह दिन लगे थे ये भी आप याद रखेंगे फिर अगर अब सचिदानंद सिन्हा जी भी आ गए तो इसके ऊपर अगर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करें तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा क्या थे ये हमारे प्रोविनेंशियल प्रोवी प्रोविनेंशियल थे क्या प्रेसिडेंट थे याद रखेंगे प्रोविनेंशियल प्रेजिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये भी आप चीज याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है फिर अगर हम पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू को देखें तो इसके ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो ये जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था याद रखें कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ठीक जी क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन तो ये जो आइडिया था किसने प्रपोज किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो आइडिया था प्रपोज किया था फिर अगर हम देख लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो ये जो थे वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली ये जो थे हमारे परमानेंट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर फोर रहेगा आपके पास हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीटेंट असेंबली के जो प्रेजिडेंट थे वो कौन थे सो ऑप्शन रहेगा आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन रहे बी रहेगा बी आर अंबेडकर ऑप्शन सी रहेगा लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन सी रहेगा पी उपेंद्रा ठीक है ना ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है और बेसिक सा क्वेश्चन है सो so जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे वो हमारे ऑप्शन ए दैट इज यूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये रहे हुए हैं ठीक है इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है ना और अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें लाइक like, uh, अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज़ इलेक्टेड एस ए परमानेंट प्रेजिडेंट असेंबली उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जुड़ा रहता है हमारे बी एन बी एन राव जी का ठीक है बी एन राव जी क्या थे सो बी आर राव जो थे वो हमारे क्या थे कंस्टीट्यूशनल क्या थे ये भी याद रखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे कंस्टीट्यूशनल कंस्टीट्यूशनल एडवाइजर कंस्टीट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे किसके ऑफ़ द असेंबली कंस्टीट्यूश एडवाइजर ऑफ द असेंबली ये रहे हुए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आ सकता है ठीक है ना और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं अगर हम देखेंगे जो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या किया था हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने कंस्टिट्यूशन को लिखा था ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इन्होंने कंस्टिट्यूशन लिखा था तो ये जो ड्राफ्ट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इन्होंने कब किया था अपॉइंट इन, इन्होंने इनको तो इनको ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त 1947 को इन्होंने अपॉइंट किया था सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी अपॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन ट्वेंटी नाइन्थ 1947 तो इसमें जो था वो बी आर अम्बेडकर जी को इन्होंने जो था प्रेसिडेंट इन्होंने चेयरमैन सॉरी इन्होंने अपॉइंट किया था तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाज अडॉप्टेड बाय किसने अडॉप्ट किया था ठीक है ना सो so, एक रहेगा हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन बी रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्शन सी ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो

ये इस टाइम इन्होंने अडॉप्ट किया था ये याद रखेंगे इन्होंने अडॉप्ट किया था लेकिन जब केम इन इफेक्टिव ये फोर्स में कब आया था केम इफेक्टिव सो ये आया था हमारा जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को ये आया था ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन सिक्स दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ द यूनियन देखो कमेटीज पे काफी सारे क्वेश्चन आते यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया था लेकिन यहां पे है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयर चेयरमैन थे वो कौन थे ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो अब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी जेपी कृपलानी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है इस क्वेश्चन को भी आप मार्क करें साथ में कि आप कितना इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा दैट इज डॉ जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे वो क्या थे चेयरमैन थे और इसी के साथ एक और कमेटी होती है हमारी यूनियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यूनियन सॉरी दिस यूनियन पावर कंस्टिट्यूशन कमेटी तो इसके भी जो चेयरपर्सन थे जो है दैट इज हेडेड बाई अवर प्राइम मिनिस्टर जो के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इन्होंने ये अडॉप्ट की थी uh, मतलब ये चेयरमैन थे इसके ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु प्रपोज द प्रियम्बल प्रियम्बल आप जानते हैं जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं ठीक है ठीक है बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने ये जो प्रस्तावना थी जो प्रियम्बल था ये किसने लाया था सो ऑप्शन सर ऑप्शन ए दैट इज जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर ऑप्शन सी बी एन राव एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा सो so, ये जो कंसेप्ट रहता है प्रियम्बल का ये किनून किन के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रपोज किया गया था सो so, हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए दैट इज जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो कंसेप्ट था प्रियम्बल का ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रस्तावना का कंसेप्ट जो इन्होंने लाया था ठीक है फिर अगर हम देखें ये जो प्रियम्बल है इसका मतलब क्या होता है सो so, प्रियम्बल मीन क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन प्रियम्बल मीन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ठीक है जी प्री और हम इसको क्या बोलेंगे प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है और एक चीज और है जो प्रियम्बल है हमारा जो प्रियम्बल है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कंस्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कंस्टिट्यूशन ठीक है ये भी आप याद रखेंगे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कंस्टिट्यूशन इसको बोलते हैं प्रियम्बल जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं याद रखेंगे ठीक है ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, इसके बाद अगर हम और आ, कुछ बातें डिस्कस कर लें ठीक है ना ये भी ये जो आ, था ना ये जो फंडामेंटल्स थे जितने भी आइडियोलॉजिस्ट थे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर थे तो मतलब फिलोसफी थी मतलब कंस्टिट्यूशन आदो ये सबसे लास्ट पे डिस्कस किया था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर इसको लिखा जाता है प्रियम्बल जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं ठीक है जी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असम्बली जो एक स्टीयरिंग कमेटी थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के उसके प्रेसिडेंट कौन थे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कमेटीज़ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं हम कमेटीज ऑफ कमेटीज ऑफ कमेटीज कमेटीज ऑफ कमेटीज ऑफ द कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबली ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी सो द ऑप्शन स्टेयरिंग कमेटी के जो हमारे चेयर पर्सन थे वो कौन थे सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी जे पी कृपलानी एंड ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो क्या थे हमारे चेयरमैन ऑफ द स्टेयरिंग कमेटी के ये जो चेयरमैन थे उसके बाद और भी पॉइंट इसके साथ डिस्कस हैं क्योंकि काफी जितने भी ये प्रोमिनेंट लीडर थे ये डिफरेंट डिफरेंट डिफरें जो कमेटीज उनके हेड कर रहे थे एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे उसके बाद अगर हम देखें डॉक्टर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो एक और कमेटी के मेम्बर थे जिसको हम कहते थे चेयरमैन थे दैट इज द रूल्स ऑफ प्रोसीजर रूल ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी इसके भी वो पर्सन थे ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखते हैं ठीक है फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नाइन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली स्टेट कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे सो द ऑप्शन और ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी बी एन राव तो स्टेट कमेटी ऑफ़ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट कमेटी ऑफ़ द कंस्टिट्यूएंट असेम्बली के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे दैट इज योर ऑप्शन सी डॉक्टर जवाहरला सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर टेन हु द फॉलोइंग वाज़ द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल कमेटी सॉरी फंडामेंटल राइट सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन कौन थे सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए जेपी जेबी कृपलानी ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी गोपीनाथ भरदौलाई ठीक है सो so, अगर हम देखें फंडामेंटल फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो थी हमारी उसके जो चेयरपर्सन थे दैट इज ऑप्शन ए दैट इज योअर जे बी कृपलानी ये रहे हुए हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज है अनरिटर्न कंस्टिट्यूशन निम्नलिखित में दी गई हुई या ऑप्शंस में दी हुई इनमें से कौन सी एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कंस्टिट्यूशन है वो अनरिटर्न है जो लिखा हुआ नहीं है सो so, ऑप्शन रहेंगे हमारे पास ऑप्शन ए यूएसए ऑप्शन बी नेपाल ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी यू सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योअर ऑप्शन डी दैट इज यूके लेकिन ऐसा नहीं है कि अनरिटर्न है तो मतलब रिखा ही नहीं हुआ ठीक है ना अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि यह बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ है लेकिन जो इसकी डॉक्यूमेंट है पूरी जो इसका पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म है वो एक कंपाइल फॉर्म फॉर्म में नहीं है मतलब अलग अलग, अलग जगह पे इसका जो कंस्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं, वो अलग अलग, अलग, अलग जगह पे हैं एक जगह पे एक बुक फॉर्म में एक पूरी बुक फॉर्म में या एक कंपाइल फॉर्म में नहीं है तभी इसको अनरिटन कहते हैं ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही लिखा हुआ मतलब जुबानी जुबानी याद रखा हुआ है लिखा हुआ है लेकिन एक कंपाइल फॉर्म में नहीं है वैसे इंडिया का जो है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी आप याद रखेंगे इंडिया को जो है वो लेंथियस्ट है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो इस पर शायद आई थिंक जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इंडियन पॉलिटिक्स पे तो उस पर मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम हमने इसमें डिस्कस कर दिया हो गया हुआ है उसके बाद अगर हम देखें अभी बर्निंग टॉपिक भी है हमारा ये इसराइल और फलस्टीन के ऊपर के तो इसमें अगर देखें हमारा जो इसराइल है ठीक है ना जो हम जो इसराइल है ठीक है ना इसराइल इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अनरिटन है ये भी आप याद रखें क्योंकि बर्निंग चीज है मेरे माइंड में आ गई है तो और उसके बाद न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी आप याद रखेंगे ठीक है ना इसराइल का अनरिटन है न्यूजीलैंड का अनरिटन है उसके बाद यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टिड ऑन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डेट को अडॉप्ट किया गया है याद रखेंगे अडॉप्ट पॉइंट अडॉप्ट याद रखेंगे सो so द ऑप्शन और ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 तो ये जो डेट रहेगी ये याद रखेंगे आप केम एम इंटू फोर्स तब ये इफेक्टिव हो गया था लागू हो गया था ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी दैट इज़ योअर थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर नाइनटीन तो अगर हम अडॉप्ट की बात करें तो ऑप्शन डी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट किया गया थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को ये अडॉप्ट किया गया है याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हो मेनी शेड्यूल्स डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्टेन इंडिया के आ, में कितने शेड्यूल हैं सो so, आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइन ऑप्शन बी टेन ऑप्शन सी इलेवन एंड ऑप्शन डी ट्वेल्व ठीक है सो so, ये तो एक इजी सा क्वेश्चन है सो ऑप्शन डी दैट इज ट्वेल्व सो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने शेड्यूल हैं उसके अंदर 12 शेड्यूल हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और शेड्यूल में से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें फर्स्ट uh, शेड्यूल की ये आई थिंक वीडियो लेक्चर में कहीं मैं डिस्कस भी कर चुका हूं लेकिन फिर भी रिविजन वीडियो है तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं फर्स्ट शेड्यूल में है नेम ऑफ द स्टेट्स नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ठीक अगर दूसरी बात करें तो दूसरे में हमारे पास आ जाता है शेड्यूल सेकंड में सैलरीज सैलरीज एंड इमोलमेंट्स ये भी याद रखेंगे और जो शेड्यूल थ्री है इसमें हमारे पास आ जाता है ओथ एंड ऑफॉर्मेशन ठीक है ओथ एंड आ जाएगा और जो शेड्यूल फोर है उसमें हमारे पास आ जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स ठीक है ना एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा ठीक है ना इन राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट आ जाएगी अगर फिफ्थ शेड्यूल की बात करें हम तो फिफ्थ शेड्यूल हमारे पास आ जाता है शेड्यूल एरिया ऑफ शेड्यूल एरियाज शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आ जाता है अगर सिक्स शेड्यूल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एरिया ऑफ जो हमारे ए टी एम एम ये शॉर्टकट रहता है असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम इसके ऊपर है फिर अगर हम सेवन शेड्यूल की बात करें तो सेवन हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट आ जाएगा फिर अगर हम एट शेड्यूल देखें एट शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये लैंग्वेज के ऊपर बेस है याद रखें और जो 9 शेड्यूल रहेगा वो हमारे रहेगा एक्ट्स एंड रेगुलेशन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के ऊपर रहेगा और जो टेन शेड्यूल है वो रहेगा एंटी डेफिकेसन ला ठीक है ना एंटी डिफेक्शन सॉरी एंटी डिफेक्शन ला रहेगा और जो हमारा सॉरी और जो हमारा वन मिनट वन मिनट जो हमारा इलेवन रहेगा वो रहेगा पंचायत ठीक है पंचायत और जो ट्वेल्थ शेड्यूल रहेगा वो मुंसिपलिटीज रहेगा अब एक बार दोबारा आप याद कर लें क्योंकि ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए सो जो शेड्यूल फर्स्ट है हमारा जो शेड्यूल फर्स्ट है हमारा नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दूसरी में आ जाएगा हमारा सैलरी एंड इन्वोलमेंट तीसरा हमारा आ जाएगा ओथ एंड इन्फॉर्मेशन फोर्थ वन आ जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा उसके बाद फिफ्थ जो आ जाएगा वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन शेड्यूल ट्राइब सिक्स आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ सॉरी जिस असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम सो सेवन शेड्यूल आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियनड स्टेट सॉरी और ऑप्शन ए ऑप्शन सॉरी दिस शेड्यूल एट आ जाएगा लैंग्वेज शेड्यूल नाइन आ जाएगा ये आ जाएगा वेलिडेशन और जो सर्टेन एक्ट और रेगुलेशन होते हैं फिर दसवा आ जाएगा हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा अलैंथ का आ जाएगा पंचायत और ट्वेल्थ का आ जाएगा म्यूनसिपल्टीज ये चीज़ें आपने याद रखनी है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑन योर स्क्रीन इज एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन फोर्टीन ऑन योर स्क्रीन अंडर विच आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर डज इंड स्पेशल कंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन बहुत ओवर हो चुका है सो ये आपको सबको मालूम ही है तो चलो इसको आप ऑप्शन में लिख के दे दें कि छोड़ो जी रहने दें ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 370, थी ठीक है जी आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये स्पेशल जो था पोजीशन ऑकुपाई करता था तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने

कौन सा ऐसा है जो लेजिस्लेटिव टूल नहीं है द द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इसमें कौन सा नहीं है सो ऑप्शन ए दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन बी इज रेजुलेशन ऑप्शन सी डिसोल्यूशन ऑफ होस्ट एंड ऑप्शन डी नो कॉन्फिडेंस मोशन सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ होस्ट क्यों क्योंकि द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज मैंडेटरी ये नहीं है ये टूल नहीं है ये याद रखें ठीक है ना इस क्वेश्चन को आप देख लें सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट इंडियन स्टेट रिकोगनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेस पे इंडियन स्टेट कब रिकोगनाइज की गई थी सो द ऑप्शन आर नाइनटीन फोर्टी सेवन ऑप्शन बी नाइनटीन फिफ्टी ऑप्शन सी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एंड ऑप्शन नाइनटीन नाइनटी सिक्स सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज नाइनटीन फिफ्टी सिक्स पे जो इंडियन स्टेट उसको रिकोगनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ये भी आप याद रखें क्योंकि इंडिया एट दैट टाइम वो जो था लिंग्विस्टिक बेस पे ये कर रहे थे कि इंडिया को लिंग्विस्टिक बेस पे रखा जाए जहां जहां की लैंग्वेज है मगर ये जो था ये कामयाब नहीं हो पाया था सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द आर्टिकल सेवनटीन इन एटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जो आर्टिकल एटीन और सेवनटीन और एटीन है वो क्या प्रोवाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है अब देखिए वो नहीं पूछेंगे कि ये किसके ये आर्टिकल सेवनटीन क्या है या आर्टिकल एटीन क्या है ये चीज़ें नहीं वो पूछेंगे ठीक वो पूछेंगे क्या प्रोवाइड करता है ठीक है ना इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज़ क्या प्रोवाइड करेंगे आर्टिकल सेवनटीन एंड एटीन ऑफ द कंस्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है ये तो ये तो सपने रटे रहते हैं कि ये जी जो हमारे पास सेवनटीन होगा वो एबोल्यूशन ऑफ एबोल्यूशन ऑफ दिस अन टचलिटी होगा एबोल्यूशन ऑफ अन टच एबलिटी होगा जो एटीन है वो हमारे पास होगा एबोल्यूशन ऑफ टाइटल होगा ठीक है ना एबोल्यूशन ऑफ टाइटल होगा लेकिन यहाँ पूछेगा क्या प्रोवाइड करता है ऑप्शन ए दैट इज सोशल इक्वलिटी ऑप्शन बी इकोनमिक इक्वलिटी ऑप्शन सी पोलिटिकल इक्वलिटी एंड ऑप्शन डी रिलीजियस इक्वलिटी तो इसमें से आपने देखना अगर हमारे पास अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी या छूत छात बंद करनी है या टाइटल नाम के साथ लगाना है तो इसमें कोई इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी नहीं है कोई पोलिटिक्स भी नहीं मिला रिलीजन तो नहीं ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए दैट इज सोशल इक्वलिटी हमें प्रोवाइड करता है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ऑप्शन दैट इज क्वेश्चन द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है अ क्वाजी फेडरल यूनियन ऑप्शन बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट एंड ऑप्शन बी अ यूनाइटेड स्टेट एंड ऑप्शन बी अ फेडरल स्टेट ऑफ अ अ फेडरेशन फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बहुत इजी क्वेश्चन है आप जितने भी एस्पायरेंट वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं इसको मार्क करने की कोशिश करें ठीक है ना क्या डिस्क्राइब करता है सो so, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ एज अ यूनियन ऑफ स्टेट याद रखें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है जी और ये क्वेश्चन में आने के चांसेस भी रहते हैं ठीक है जी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सो द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हो मेनी लैंग्वेज आर कंटेंड इन द एथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है इस क्वेश्चन को आपने माक करना है कि हमारा जो एट्थ uh, शेड्यूल है पहले सबसे पहले हमें यह पता हूँ एटथ शेड्यूल किसके लिए होता है लैंग्वेज के लिए ये अभी आपके सामने हमने डिस्कस भी किया है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज uh, जो इंडियन शेड्यूल एट्थ में इंडियन uh, लैंग्वेज है वो कितनी शेड्यूल की uh, कितनी दिखाई हुई है सो ऑप्शन ए रहेगा ट्वेल्व ऑप्शन बी सिक्सटीन ऑप्शन एटीन सी एटीन एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी टू सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी देट इज 22 जो लैंग्वेज हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी हुई हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें अमेंडमेंट भी काफी हुए हैं जिसमें काफी सारी लैंग्वेज ऐड की गई है एक ब्लैंक स्लाइड में उसके वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेज रहते हैं ठीक है सो so, इसमें हम वाइट कलर ले, ले लेते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे ठीक है जी विजिबिलिटी रहने रहेगी तो दिख जाएगा ठीक है जी सो so, अगर हम देखें हमारे जो अमेंडमेंट हुए थे एक हमारा अमेंडमेंट हुआ है जिसको हम बोलेंगे हम पहले लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं ठीक है एक हमारी लैंग्वेज है कोंकणी 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 उसके बाद मणिपुरी मणिपुरी कौनकुनी मणिपुरी और नेपाली और नेपाली और ये जो लैंग्वेज थी ये ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द सेवेंटी सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट बाई द सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ नाइन्टीन नाइन्टी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फिर एक लैंग्वेज है हमारे पास एक होगी बोडो उसके बाद डोगरी बोडो डोगरी मैथिली ठीक है मैथिली उसके बाद संथाली ठीक है ना संथाली ये जो लैंग्वेज थी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी बाय नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सॉरी दिस टू थाउजेंड थ्री में ये ऐड हुई थी ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है और फिर ये जो लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज है हमारी ये आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री टू आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन में लिखी गई है आर्टिकल्स में ठीक है आर्टिकल्स uh, में ये भी याद रखें ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है उसके बाद आई थिंक ये काफ़ी रहेगा उसके बाद एक और लैंग्वेज है सिंधी एक लैंग्वेज और है सिंधी ये जो सिंधी लैंग्वेज है ये ऐड की गई है एथ शेड्यूल में लेकिन ये कब की गई है ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी सेवन के तहत इसको ऐड किया गया है ये भी आप याद रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सो आई थिंक ये सेशन uh, बहुत ज्यादा uh, काफी लंबा हो चुका है ठीक है ना तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है ना आप हमें इसको कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी जेके एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके साथ ये एक रिविजन वीडियो के तहत से देखें और इससे जितना भी आपको बेनिफिट हो सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाए क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं रिविजन रहेगी तो याद करने में आसानी होगी हम सब के लिए सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस वीडियो सो कीप सपोर्टिंग आर चैनल दैट इज़ द पहाड़ी तालीम दैट इज द पहाड़ी तालीम दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन विद अ टैगलाइन पढ़ना है बढ़ना है थैंक यू वेरी मच